दोस्तों, इस पूरी दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं और हर इंसान का अपना एक अलग परिवार है। उस परिवार में बहुत सारे बच्चे हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं। इस तरह से यह परिवार सदियों से चलते हुए आ रही हैं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आ रही हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इस दुनिया का जो सबसे पहला इंसान था वो कौन था, वो किस चीज़ से बना होगा, वो कौन इंसान था जिसने इस धरती पर अपना सबसे पहला कदम रखा, वो कौन इंसान था जिसने इस धरती पर सबसे पहला जन्म लिया। इस तरह के कई सवाल हैं जो यकीनन आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके आगे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास यह जानकारी पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम के हिसाब से अगर हम जानें, कुरान और हदीस की रोशनी में अगर हम देखें, तो इस दुनिया का जो सबसे पहला इंसान था वो मिट्टी से बना था। अब वो मिट्टी से किस तरह से बना था, इसके पीछे एक वाकया है। अल्लाह ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा किया, यानी कि इस दुनिया के सबसे पहले इंसान को जब पैदा करने का इरादा फरमाया, तो अल्लाह ने अपने तमाम फरिश्तों को इस ज़मीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया, मगर कोई भी फरिश्ता ज़मीन से मिट्टी ना ला सका। यह देखकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगी, ए अल्लाह, इस काम को मैं करूँगा। बस फिर क्या था, अल्लाह ने हुक्म दिया, ए इजराइल, जाओ जमीन को और एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ। बस फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आसमान से उतरकर इस ज़मीन को आई और फिर तीन किस्म की मिट्टी को जमा किया, जिसमें सुरख, सफ़ेद और स्याह मौजूद थी। कहा जाता है कि उस एक मुट्ठी में पूरी ज़मीन की मिट्टी उनके हाथों में आ गई, जिनमें हर किस्म की मिट्टी शामिल थी, यानी कि सफ़ेद, काली, नरम, सख्त, हर तरह की मिट्टी उनकी मुट्ठी में आ गई। फिर उस मिट्टी को मक्का और ताइफ के दरमियान में रखा गया। फिर इस मिट्टी पर लगातार अल्लाह की रहमत बरसती रही, यानी कि अल्लाह का नूर बरसता रहा। उसके बाद में अल्लाह ने इस मिट्टी को अपने अरश पर बुलाया। फिर इस मिट्टी को पानी के साथ गूंधा गया और दुनिया के सबसे पहले इंसान का पुतला तैयार किया गया, यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया। फिर उस पुतले को जन्नत में रख दिया गया। फिर 40 सालों तक मिट्टी का वो पुतला जन्नत में ऐसे ही रखा रहा। अल्लाह का हर फरिश्ता उस मिट्टी के पुतले को देखता और सोचता कि यह मिट्टी का पुतला कैसे चलेगा, किस तरह से बात करेगा, यह किस तरह से जिंदा होगा। इस तरह से 40 सालों तक लगातार अल्लाह ने इस निशानी को कायम रखा। फिर अल्लाह ने एक दिन अपने तमाम फरिश्तों को जमा किया और हुक्म दिया, आज मैं इस पुतले में रूह डालूंगा, यानी कि जान डालूंगा। जब यह पुतला जिंदा हो जाए तो तुम तमाम फरिश्ते इस आदम को सजदा करना। उसके बाद अल्लाह के तमाम फरिश्ते उस पुतले को हैरत से देखने लगे कि इतने में अल्लाह ने उस पुतले में अपनी रूह डाल दी। जैसे ही अल्लाह ने उस पुतले में रूह डाली, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक जोरदार छींक ली और देखते ही देखते मिट्टी का वो पुतला जिंदा हो गया, यानी कि उसमें जान आ गई। वो चलने फिरने लगा, वो बात करने लगा। यह देखकर अल्लाह के तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए और अल्लाह की तारीफ करने लगे, मगर इबलीस तकबर और घमंड कर बैठा और हसद में कहने लगा, ए अल्लाह, तूने मुझे आग से पैदा किया है और इस आदम को तूने मिट्टी से बनाया है, इसलिए मैं इसको सजदा नहीं करूँगा। यह सुनकर अल्लाह ताला इबलीस से सख्त नाराज हुए और फरमाने लगे, निकल जा यहाँ से। इस तरह से फिर इबलीस को अल्लाह ने अपने दरबार से निकाल दिया। थोड़े दिनों के बाद में अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खुशी के लिए उनकी पसली से माँ हव्वा को पैदा किया और दोनों को जन्नत में रहने का हुक्म दे दिया। अब माँ हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में बहुत खुश रहने लगे, मगर फिर एक गलती कर बैठे और उस गलती की वजह से अल्लाह ने इनको अपनी जन्नत से निकाल दिया और इस ज़मीन पर भेज दिया। तारीख ने लिखा कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा इस ज़मीन पर आई, तो दोनों एक दूसरे से 200 सालों तक जुदा रहे और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे। बिल आखिर अल्लाह ने उन दोनों की तौबा कबूल की और फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम एक पहाड़ी पर आए और उन दोनों को वहाँ ले जाकर छोड़ दिया। उसके बाद वो दोनों साथ में रहने लगे। फिर हजरत आदम और माँ हव्वा के दो बेटे पैदा हुए, जिनका नाम हाबिल और काबिल था, और यूँ फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल को इस ज़मीन पर फैला दिया।